अलाउड नहीं होना चाहिए, ये तीन रिक्वेस्ट मैंने हर्षवर्धन जी से की है। ये दो कंपनियां कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जा रहा है। कोविशील्ड ने जो कि केंद्र सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन देता है, उनके चेयरमैन ने थोड़े दिन पहले कहा था कि उसमें उसको प्रॉफिट है, 150 रुपये में भी प्रॉफिट है, मान लेते हैं अगर 10 रुपये का प्रॉफिट भी है, और 6 करोड़ वैक्सीन वो हर महीने बनाते हैं। अगर आधी वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी होती है तो यानी 3 करोड़ वैक्सीन देनी है तो 30 करोड़ उसमें प्रॉफिट हो गया। अब वही वैक्सीन जो 150 की थी राज्य सरकारों को 300 में देते हैं, कॉस्ट तो वही रहेगी ना जो पहले थी, तो राज्य सरकार को जो दी तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपये में से 160 रुपये का, और वही वैक्सीन प्राइवेट को देते 400 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हम कॉस्ट प्राइस 140 मान के चले जो कि उससे कम ही होगा, तो 260 रुपये का प्रॉफिट है। यानी एक महीने की प्रोडक्शन के ऊपर उस कंपनी को 960 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है एक महीने का। एवरेज जो प्रॉफिट आ रहा है 1 करोड़ के ऊपर 160 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 160 रुपये प्रति वैक्सीन का प्रॉफिट उसको मिल रहा है एवरेज जो रेट है। हमने कहा है कि भाई देश के अंदर 18 साल से ज्यादा की उम्र के 100 करोड़ के करीब लोग हैं, तो एक कंपनी से मतलब 200 करोड़ लेनी है आपको वैक्सीन, एक कंपनी 100 करोड़ लेंगे दूसरे 100 करोड़ लेंगे, यानी एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ रुपया बनेगा, जो कि मैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके बता रहा हूं। दूसरी जो कंपनी है कोवैक्सीन, वो तो इससे भी महंगे रेट में दे रही है, इनका रेट तो 150 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है, उनका 150 रुपये और 400 रुपये और 600 रुपये शायद है, तो उसका प्रॉफिट इससे भी ज्यादा होगा। तो तीसरी रिक्वेस्ट मैंने ये की है कि आप इन कंपनियों का जो रेट है, जो 150 रुपये केंद्र सरकार के लिए रखा गया, सबके लिए 150 रखे, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट है, 150 में प्रॉफिट हो ही रहा है, तो 300 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये किस लिए, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और कंपनीज को प्रॉफिटियरिंग करने के लिए इतना बड़ा मौका नहीं दिया जा सकता इस आपदा के समय पर।